नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। माँ नर्मदा संगम पर ये फाउंटेन बनाया गया है और ये फाउंटेन शुरू किए जाते हैं सुबह शाम जब इसका निर्धारित समय होता है, ताकि पानी जो है आगे बढ़ता जाए और ये दिखता जाए। ये मध्यप्रदेश सरकार के कार्यक्रम का आप बोर्ड देखिए कि यहाँ पर लिखा गया है कि शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में और सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया गया था। यहाँ पर अस्थायी रूप से जो है ये घाट बनाए गए हैं, जिस पर घाट पर ये लिखा है, आप देख रहे हैं कि घाट पर आपको संभल कर उतरना है। ये जो घाट है ये ऐसा लगता है कि महेश्वर के घाट की याद दिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बनाते वक्त ये ध्यान रखा गया है कि ये जो है लाल पत्थर का उपयोग किया जाए। यहाँ पर नर्मदा में स्नान करने के लिए जो जगह बनाई गई है, इसके लिए यहाँ पर चेंजिंग रूम भी अस्थाई बनाए गए हैं। इधर आप देखिए कि माँ नर्मदा मैया का एक मंदिर भी ये बना है, जो हम आपको दिखाते हैं कि ये कितना अच्छा है और इसका कितना महत्व है। ये प्रतीकात्मक रूप से बगीचे में बनी प्रतिकृतियाँ लोगों को आकर्षित कर रही है। यहाँ पर भी लोग अब टिफिन पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, कई समाज के लोग बड़े ग्रुप में यहाँ पर आते हैं। ये लिखा गया है कि क्षेत्र की पवित्रता को बनाए आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई गंदगी नहीं हो या कुछ ऐसा ना हो। माँ नर्मदा की मूर्ति का भी अनावरण नहीं हुआ है, इसलिए इसको ढक दिया गया है। लेकिन आप देखिए कि इस तरह से ये जो है मंदिर नुमा पूरा बनाया गया है गुंबज। यहाँ पर भी एक अच्छा स्पॉट बनाया गया है, बैठने के लिए कुर्सियाँ बनाई गई है। आप देख रहे हैं कि ये नदी जो है ये यहाँ से जा रही है और इस नदी में ही जो है नर्मदा का पानी लाकर छोड़ा गया है। इस नदी को ही हम गंभीर और नर्मदा नदी का संगम कहते हैं। देखिए कि यहाँ पर सरकार ने ये भी लिखा है कि सेल्फी के लिए कोई दुस्साहस ना करे, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो लोग आते हैं वो सेल्फी लेते हैं। बच्चे झूले का आनंद लेते हुए आपको दिख रहे हैं, कुछ रस्सी के झूले हैं, कुछ स्थाई झूले हैं, कुछ अस्थाई झूले हैं। अभी हम आपको ये बताते हैं, यहाँ पर जगह जगह बैठने का इंतज़ाम, कुर्सियाँ अच्छी बनाई गई हैं और सफाई का इंतज़ाम भी यहाँ खासा दिख रहा है। पुरानी स्टाइल में यहाँ पर जो बैठने के लिए जगह बनाई गई है, ये वाकई बहुत अच्छी लग रही है। आप देखिए कि कितना अच्छा ये बनाया गया है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर बैठने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये हवन कुंड जैसा कुछ दृश्य बनाने की कोशिश की गई है। अभी हम आपको और आगे बताते हैं कि यहाँ पर जो पारंपरिक झूले हैं वो भी झूले यहाँ पर हैं। और इस तरफ भी आप देखिए कि ये जो पानी आ रहा है, ये यहाँ से नर्मदा का पानी इस गंभीर नदी में छोड़ा गया है। ये जो पानी जा रहा है ये साफ दिख रहा है कि ये पानी जो है छोड़ा गया है। ये संगम स्थल का बोर्ड भी लगा है, जो ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर ये संगम हो रहा है। और यहाँ पर जिस तरह के एरन के पत्थरों का उपयोग किया गया है, वो भी बड़ी बात है।